क्या महिलाएं आज भी आजाद नहीं है? ये सवाल हम सभी के मन में गूंज रहा है। जब एक तरफ देश में स्वतंत्रता के 77वें वर्षगांठ का जश्न मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ महिलाओं के साथ एक के बाद एक रेप और मर्डर के वारदात सामने आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। पहले कोलकाता में महिला डॉक्टर ट्रेनी के साथ और अब उत्तराखंड में नर्स के साथ रेप और मर्डर की खबर सामने आई है। जी हाँ, ये हमारे अपने आजाद देश की सच्चाई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 31 साल की पीजी ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या पर पूरे देश में आक्रोश है। इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के बाद अभी देश संभला ही नहीं था कि अब इस बीच उत्तराखंड में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई है जिससे दिल और दहल उठा है। यहाँ अस्पताल से घर लौट रही 33 साल की एक नर्स के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया है। इसके बाद उसकी गला घोटकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक उसके साथ लूटपाट भी की गई है। पीड़ित नर्स नैनीताल के एक निजी अस्पताल में काम करती थी। पीड़िता उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर के बिलासपुर कॉलोनी में अपनी 11 साल की बेटी के साथ रहती थी और 30 जुलाई को अस्पताल से लौटते समय वो एकदम से लापता हो गई। आइए चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल लापता महिला की लाश कंकाल अवस्था में 8 अगस्त यूपी के बिलासपुर जिले में झाड़ियों में पड़ी मिली थी। तो वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि महिला से रेप के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने जांच शुरू की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया। साथ महिला के फोन का ईएमआई नंबर सर्विलेंस पर लगा दिया। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के दौरान पुलिस को संदिग्ध युवक दिखाई दिया जो उसके पीछे पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा था। पुलिस की टीम को सर्विलेंस से पता चला कि फोन की ईएमआई नंबर की लोकेशन यूपी के बरेली में है। तुरंत ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई और वहां पता चला कि उस फोन को खुशबू पत्नी धर्मेंद्र निवासी थाना शाही जिला बरेली चला रही थी। पूछताछ में ये भी सामने आया कि उसका पति धर्मेंद्र भी फोन का इस्तेमाल करता था। दोनों मौके से फरार मिले जिसके बाद पुलिस ने धरपकड़ के लिए टीम लगा दी। फिर इसके बाद लोकेशन को देखते देखते आरोपी तक पहुंच गई। जांच के दौरान पुलिस को धर्मेंद्र की लोकेशन राजस्थान के जोधपुर में मिली। पुलिस टीम ने उसे मंगलवार को पकड़ लिया और देहरादून ले आई। पूछताछ में धर्मेंद्र ने पुलिस को बताया कि वो पिछले 5-6 महीने से मुजफ्फरपुर में एक गेहूं फैक्ट्री में काम करता था। 30 जुलाई को उसे सुनसान अंधेरे में अकेली महिला जाते हुए दिखी। इसके बाद उसने अपना बैग एक जगह पर रख दिया और महिला को पकड़कर उसका मुंह दबाते हुए झाड़ियों में ले गया। लूट के साथ उसका रेप भी किया। तो वहीं जब महिला ने शोर मचाया और संघर्ष करने की कोशिश की तो उसका स्टॉल से ही गला घोट दिया गया। महिला का मोबाइल लूटने के बाद उसके साथ रेप किया गया। फिर उसकी पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया। बरेली जाकर उसके फोन में अपना सिम कार्ड डाला और इस्तेमाल करने लगा। जब उसे पुलिस की भनक लगी तो वो जोधपुर फरार हो गया। इस मामले पर एसएसपी मनोरंजन टीसी ने बताया कि आरोपी को जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही आरोपी धर्मेंद्र ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आप अपने मन में एक सवाल पूछिए कि आखिरकार महिलाओं के साथ ये अत्याचार कब थमेगा? क्या कभी लड़कियां महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगी या फिर डर कर सहम कर वो अपना मुंह बंद कर देंगी? न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।